Namaskar, Muadarsu. Welcome to Others Education Society. Hello, students. This is part 5, Standard 7th Science, Chapter 2, Nutrition in Animals. In the last part, that is, we can say second, third, and fourth part, we discussed about the elementary canal. एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन which there इज एन एलिमेंट्री कैनाल which starts from वेयर विच starts फ्रॉम दिस बकल cavity एंड ends एट एनस दैट what वी डिस्कस्ड देन वी डिस्कस्ड दैट जो हम फूड अपने अंदर लेते हैं मुंह में डालते हैं उसको इंजेक्शन ऑफ फूड बोलते हैं फिर क्या होता है मुंह को बोलते हैं बकल कैविटी

टीथ ब्रेक्स डाउन ब्रेक्स इट डाउन इन टू स्मॉल पार्टिकल्स इज इट विद विद दैट एक्चुअली क्या होता है जो सलाइवेरी ग्लैंड है उससे सलाइवा सिक्रिट होता है और जो टंग होती है वो सलाइवा और अपने फूड को मिक्सअप कर देती है उससे दो फायदे है एक तो ये चीज़ है कि जो सलाइवा है दलाइवा ब्रेक्स डाउन दार्च इन टू फर्स्ट वन और दूसरी बात it moistens the food also so that it can pass through esophagus and further very easily that what we discussed in the last parts isn't it now in this part we are going to discuss page number 15 and before starting our session let me tell you you open your book and 15 page number 15 this page by this time we are going to discuss this box and second thing do not try to read this box you will read if you want to read then you will read it in your textbook just i will discuss about okay Chale dekhte hai. sometimes when you eat in a hurry talk or laugh while eating यू मे कफ गेट हिकअप और ए चोकिंग सेंसेशन जब हम कभी कभी बातें करते करते जल्दी से या तो लाफिंग करते हंसते हँसते फूड खाते या तो खाना खाते तो क्या होता है कभी कभी खांसी आनी शुरू हो जाती है या तो हिकअप हिंचकी आनी हो शुरू हो जाती है या और चोकिंग सेंसेशन खांसी आती है और सांस लेना भी भारी पड़ जाता है हम सांस भी नहीं ले सकते दैट इज अ चोकिंग सेंसेशन ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी आपने फील किया होगा इट दिस इज फूड पार्टिकल्स एंटर विंड पाइप अब ये फूड पार्टिकल्स जो है यहां से चबाने के बाद जब हम आगे हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है दैट फूड पार्टिकल्स एंटर इनटू दिस विंड पाइप यू कैन सी हियर this is a esophagus but with that there is a this is a wind pipe here you can see this is a wind pipe तो वो जो food particles है वो wind pipe ने चले जाते है the wind pipe carries air from the nostril to the lungs it runs adjacent to the food pipe अब क्या होता है विंड पाइप जो है वो यहाँ से शुरू होती है यहाँ से nostril से एयर लेती है इट कैरीज एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल एंड क्या होता है फिर इट सेंड इट टू दि लंग्स थ्रू दिस पेज यहां से नोस्ट्रिल से एयर आता है फोर यहां से जाता है इजेंट इट और यहां पर आप देख सकते हैं एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज फ्रॉम हियर वी विल दूड एंटर दियर द एयर विल गो टू दंग्स सो देर इज ए कॉमन पैसेज दिस इज ए कॉमन पेसेज ओवर हियर फॉर फूड एंड एयर इज एंट इट देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम केरिंग दिन एंटरिंग द विंड पाइप तो ये जो फूड है वो कैसे प्रिवेंट होता है वो मतलब विंड पाइप में कैसे नहीं जाता है वो प्रिवेंशन कैसे होता है विंड पाइप में नहीं जाता है ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग ए लाइक वाल क्लोजिज द पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इन टू फूड पाइप अब जब हम स्वेलो करते हैं ना फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्वेलोइंग क्या होता है एक ढक्कन होता है यहाँ पे विंड पाइप पे एक ढक्कन होता है ओके okay? वो क्लोज हो जाता है तो वो जो फूड होता है वो ऑटोमेटिकली फूड पाइप में चला जाता है ओके इफ बाय चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप अब क्या होता है बाय चांस दिस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड गेट ही कप्स और कफ ओके आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस एंड मी टेल यू सी This is a food pipe. It is called esophagus and it's running through the throat, chest, and it will come to the stomach. Can you see? Okay. Now, on the same page, that is page number 15 only, there is a फूड पाइप और एसोफेगस ओके सो यहां से आगे बढ़ते हैं दूड पासिस फूड पाइप और एसोफेगसो हुआ वो पासिस थ्रू दसोफेगस दूड पाइप रंस एलोंग द नेक दूड पाइप रंस एलोंग दी नेक एंड देस्ट अभी हमने वो बातचीत की फिर फूड इज पुस्ड डाउन बाई मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप नाउ ये जो फूड होता है ना इट इज पुस्ड डाउन बाई द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप मतलब क्या होता है एक्चुअली ये जो पूरी फूड पाइप है उसमें कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपांशन होता रहता है कैन यू सी हियर देर इज ए कॉन्ट्रेक्शन एंड हियर देर इज एन एक्सपांशन तो क्या होता है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे एक्सपांस हुआ तो इस तरीके से धीरे धीरे उसको पुश किया जाता है मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जो आप टूथपेस्ट है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं पीछे से दबाते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो आगे से क्या होता है एक्सपांसन होता है और ऑटोमेटिकली दैट पेस्ट विल कम आउट फ्रॉम दी दैट ट्यूब इजेंट इट सेम थिंग हैपन्स ओवर हियर ये जो फूड पाइप होती है इट यूज कंटिन्यूसली इट यूज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपांस एनहेंस इट पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय अवर स्टमक एंड इज वोमिटेड आउट अगर ये फूड आगे बढ़ रहा है अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं होता है तो वंस अगेन वो उसको वोमिटिंग के थ्रू मुंह से बाहर निकाल दिया जाता है रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट कभी कभी आपको भी वोमिटिंग हुआ होगा ईटिंग के बाद इजेंट इट तो क्यों होता है डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर एक्चुअली वॉट हैपन्स अगर हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं स्टमक की कैपेसिटी से ज्यादा खा लेते हैं तो भी स्टमक ऑटोमेटिकली उसको दूर कर देता है वो तो क्या करता है वोमिटिंग हो जाती है दूसरी बात अगर फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो वो जो पॉइजनस फूड है उसको भी बॉडी ऑटोमेटिकली मतलब स्टमक ऑटोमेटिकली वोमिट के थ्रू बाहर निकाल देता है और कभी कभी जब वरटाई को वर्टिगो मतलब चक्कर आने लगते हैं तब भी कभी कभी हमें वोमिटिंग हो जाता है आपको भी शायद हुआ होगा इजेंट इट ओके सो यू मस्ट डाउन टू दी स्टमक through esophagus this food pipe let's go further the stomach the stomach is a thick walled bag here there is a stomach isn't it and it is thick walled bag can you see it is look like a bag isn't it so it is thick walled bag its shape is like flattened J and it is the widest part of the elementary canal. Can you see its shape? See, let's see its shape. See, this is something like J, isn't it? That is J something like J. And what is the second thing? It is the widest part of the elementary canal. इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप इट रिसीव फूड फ्रॉम दिस फूड पाइप इज एंट इट एट वन एंड एंड ओपन्स इन टू दिस स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर सी यहाँ से एक, एक एंटर होता है और फिर वो बाद में यहाँ पे ओपन होता है दिस इज स्टार्ट स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओके दैट इज वाई इट रिसीव्स फूड फ्रॉम फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इन टू दिसमॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड दिस इज अदर एंड दिन लाइनिंग ऑफ स्टमक सीक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसी अब ये जो स्टमक होता है उसमें इनर लाइनिंग होती है अब वो तीन चीजें सीक्रेट करती है क्या क्या फर्स्ट वन इज म्यूकस फिर जो है कि एक चिकना पदार्थ होता है ठीक है फिर क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दूसरा सीक्रिस्ट क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड थर्ड वन इज डाइजेस्टिव जूसिस दूक लाव नाउ लुक अवर हियर द म्यूकस द लाइनिंग ऑफ द स्टमक अब ये जो स्टमक की लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट क्यों करना पड़ता है अभी आपको पता चल जाएगा बट by this time understand that mucus protects the lining of the stomach ek yaad rakhiye aur dusri baat the hydrochloric acid kills many bacteria that enter along with the food ab hum jo food lete hai uske sath many bacteria used to enter into our with our food isn't it तो पहला काम यह hydrochloric acid क्या करता है? it kills many bacteria दैट एंटर एलोंग विदूड दूसरी बात एंड मेक द मीडियम इन दसिड है तो मीडियम है वो एसिडिक बना देगा ठीक है एंड हेल्प दूसेस टू एक्ट अब पूरा जो है अपना फूड मतलब मीडियम उसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्सड अप हो जाएगा तो पूरा मीडियम है वो एसिडिक हो जाएगा अगर वो मीडियम एसिडिक होता है धैन एंड धैन द डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट अगर वो मीडियम एसिडिक नहीं होता है तो डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता है इज इट दैट इज़ वाई ऑल्सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिक्वायर्ड नाउ वॉट इज वॉट द रोल वॉट इज द रोल ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस द डाइजेस्टिव जूसीज ब्रेक डाउन द प्रोटीन इंटू सिंपल सब्सटेंसीज नाउ दिस डाइजेस्टिव जूसिस क्या करते हैं प्रोटीन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इन टू सिंपलर सब्सटेंसिस तो इतना जो है वो अपने स्टमक में होता है ये या आपको याद रखना है ठीक है एवरीथिंग इज योर क्वेश्चन ऑल्सो तो ये सब कुछ याद रखो क्या क्या सीक्रेट होता है म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव ज्यूसिस वो याद रखना चलिए आगे बढ़ते है स्टिल बी ओन दी पेज नंबर सिक्सटीन सी इन विच देर इज एन इंसिडेंस इन दिस पेसेज सी दर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट एक कोई भी एक्सीडेंट मतलब एक वाक्य हुआ इन विच वो एक बार वो वर्किंग ऑफ द स्टमक डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन नाइन एटीन ट्वेंटी टू इन दर एटीन ट्वेंटी टू ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वाज़ बेडली हिट बाय ए शॉट गन एक जो एलेक्सिस था उसको शॉट गन से गोली लगी थी द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज्ड दी चेस्ट बॉल एंड मेड ए होल इन इन हीज स्टमक वो जो बुलेट है वो चेस्ट से आर पार हो गई थी ठीक है वो सीरियसली डेमेज हुआ था चेस्ट वॉल एंड इट पास थ्रू स्टमक मतलब स्टमक में भी एक होल हो गया था ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर था उसके पास उसको लाया गया ठीक है उसका नाम था विलियम डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बेंडेज अब जो डॉक्टर है उसने वो पेशेंट को तो बचा लिया लेकिन क्या हुआ अब उस टाइम में इतनी सर्जरी पावरफुल नहीं थी कौन से टाइम में इट वॉज इन दी एटीन ट्वेंटी टू इजेंट इट ऑलमोस्ट बिफोर वन हंड्रेड इयर्स तब इतनी सर्जरी पावरफुल नहीं थी तो क्या हुआ ही सेव्ड देशेंट बट कुड नॉट क्लोज दी होल प्रोपरली वो होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया तो उसने क्या किया लेफ्ट इट बेंज बेंडेज उसको बेंडेज रख के ही रख दिया ब्यूमोनट लुक इट एज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इन साइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल अब उसको जो अपना डॉक्टर था ब्यूमोंट उसने एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी तरीके से ले लिया और उसने क्या किया वो उसने ये जो स्टमक का होल था उसके अंदर देखा कि भाई स्टमक में क्या हो रहा है टू सी दी सी इनसाइड थ्रू द होल ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशंस अब वो स्टमक के अंदर सब कुछ देख पा रहा था तो वो पूरी जो प्रोसेस है वो उसने ऑब्जर्व की जो कि उसके लिए वंडरफुल थी ठीक है वंडरफुल फाउंड दैट स्टमक वाज चर्निंग फूड स्टमक ने देखा कि स्टमक इज चर्निंग द फूड इट्स वॉल सिक्रिटेड ए फ्लूड विच कुड डाइजेस्ट फूड अब उसकी जो वॉल्स थी इनर वॉल स्टमक की उसमें से थे क्या हो रहा था लिक्विड बाहर आ रहा था सिक्रिशन ऑफ लिक्विड वो बाहर आ रहा था और उसकी वजह से ये जो स्टमक है उसमें फूड का डाइजेशन हो रहा था ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट दस इन टू इंटेस्टाइन अब दूसरी बात क्या हुई ये जो एंड ऑफ ये इन टू द इंटेस्टाइन वो भी उसको देखने को मिला ओनली आफ्टर द डाइजेशन अब देखिए फूड है वो पूरा डाइजेस्ट होता है ओनली आफ्टर द डाइजेशन दैट फूड एंटर्स इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम हियर डाइजेशन के पहले कभी भी फूड इंटेस्टाइन में नहीं होता है वो किसने ऑब्जर्व किया अपने डॉक्टर ने दी स्टमक ओपन इन टू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इन साइड द स्टमक इज कंप्लीटेड जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तब भी ही ये जो फूड है कैन एंटर इन टू दी दैट स्मॉल इंटेस्टाइन ठीक है तो ये था अपना पार्ट एंड दिस इज द दार्ट फाइव इन दस्ट सेशन विल मीट very early okay till that watch this video four to five time thank you for joining us take care of yourselves and we'll meet you in the next session thank you